है, 7 बज गया है, ये देखो। चलो चलो चलो, उठो उठो उठो। मैं रेडी कर रही हूँ रुद्रांश के लिए टिफिन। टिफिन में उसको जाएगा आज कद्दू की सब्जी एंड अभी पराठा सेकूंगी। तो फाइनली यहाँ पे सब्जी हो गई है रेडी। थोड़ी देर से पराठा सेकती हूँ, पहले इसको रेडी कर देती हूँ। रुद्रांश रेडी हो रहा है स्कूल जाने के लिए। पहली बार देखो हमारा छोना बाबू ड्रेस में रेडी हो गया है। टाई भी तो पहनी है। टाई अभी मिली नहीं है स्कूल से। ओके नहीं है ना उसमें हैप्पी बर्थडे पहले में पहना। अरे स्कूल की टाई अलग होती है। सो ये फाइनली रुद्रांश रेडी हो गया है फुल ड्रेस में। ये देखो रख ली बुक्स। ये रुद्रांश का टिफिन हो गया है रेडी, है ना। इसमें बनाना और मखाना रख दिया है, इसमें उसको पराठा और सब्जी रखी हुई है। फिनिश करके आना। ओके पानी की बॉटल वाटर बैग इन स्कूल। ये रखा तो था सर। हाँ रखा है ना। ठीक है ये सैनिटाइजर रखा है। हैंड सैनिटाइज करके खाना खा। ओके फाइनली हम रेडी हो चुके हैं। बाय बाबू। टिफिन फिनिश करना, मस्ती भी करना। अब कोई चीज समझ नहीं आएगी तो मैम से पूछना। ओके सारे सामान को यहाँ पार्क करके गया है। पूरा इसका पार्किंग प्लेस ये है। सभी मेरी किचन की हालत ऐसी हो रही है। मैंने मॉर्निंग में उसको पराठा और सब्जी दिया है ना, तो किचन की हालत ऐसी हो गई है। जाते जाते ना वो थोड़ा सा ऐसे सैड टाइप का हो गया था, पता नहीं क्यों। बार बार ना मुझे आगे किया जा रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि मम्मा को बहुत ज़्यादा याद आएगी। बट फिर वो गाड़ी में भी बैठा ना, तो गाड़ी में भी बैठ के ना पीछे मुड़ के ऐसे देख रहा था ना। कल यहाँ पे ना बारिश वगैरह हो गई है, कपड़े वगैरह ना सूखे नहीं थे, तो मैंने अभी भी बाहर ही डले हुए हैं। और कुछ उसकी ड्रेस वगैरह भी मैंने धो के डाल दी थी, तो इस सारे बिस्तर पे ही डाल दी थी मैंने। और फैन चालू कर दिया था, तो फैन में फिर उसकी ड्रेस को सुखाया मैंने। पैंट वगैरह में पता नहीं उसका किसी चीज़ का दाग लगा हुआ है ना, तो वो छूट नहीं रहा पूरा पैंट में लगा हुआ। पहले तो दिख नहीं रहा था, बट जब वॉश हुआ ना तब जाके उसमें दिखा। जस्ट मैंने अभी शावर ले लिया है और बाकी मेरे सारे काम खत्म हो गए। सोच रही हूँ अभी तो गांच आया नहीं है, क्योंकि फिर वो स्कूल से आ जाता है तो मुझे उसके साथ मतलब टाइम स्पेंड करना पड़ता है। उसका होमवर्क वगैरह बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। तो ये मेरे पास फ्री टाइम रहता है, मतलब वो लोग निकल जाते हैं फिर मैं आराम से काम कर लेती हूँ ना। सो अभी मेरे पास टाइम है उसको लेने, थोड़ी देर बाद जाऊंगी और उससे पहले मैं काम कर लेती हूँ। मेरी ये अलमीरा है जिसको मैंने बहुत दिन से सेट नहीं किया हुआ, तो सारे कपड़े अस्त व्यस्त पड़े हुए हैं। सो ये देखो अभी अलमीरा की हालत कुछ ऐसी हो रही है। इसमें से मुझे अभी इनकी कुछ सेट्स निकाली हैं जिन पर मुझे करना है प्रेस। कुछ कपड़े पुराने ऐसे होते हैं ना, कितना भी पहनो कितना भी कुछ कर लो ना उनसे, लेकिन मन नहीं भरता है। और आप जब अलमीरा खोलते ना तो वही कपड़ा दिखता है और पहनने का भी वही मन होता है। सेट निकल आई है मुझे प्रेस करने के लिए। एक्चुअली मैं अलमीरा को लगा ही इसीलिए रही कि इनके जितने भी प्रेस के कपड़े हैं वो निकाल लूँ मैं और सारा अच्छे से फिर से ऑर्गेनाइज कर दूँ। पहले मैं सोच रही हूँ इसको खाली कर लिया, इसको साफ करके ये वाले कपड़े लगा दूंगी, इसके बाद फिर मैं नीचे वाले निकालूंगी, क्योंकि बेड पे जगह नहीं है। मैंने बेड भर दिया है ये वाले कपड़े रख के। अभी मैंने ना इनके ही कपड़े लगा पाए हैं, बाकी इस साइड खाली है। और ना अभी लाइट चली गई है काम करते करते, ये देखो आ भी गई है लाइट, चली भी गई थी और आ भी गई है। सो फाइनली अलमीरा मेरी सेट हो गई। एक साइड इनके जीन्स रख दिए, मतलब पैंट रख दिए हैं, और ये सारी शर्ट्स रखी हुई हैं, एंड ये मेरे पजामे रखे हुए हैं, एंड ये टी शर्ट्स रखी हुई हैं। सो सारे अलग अलग करके रख दिए, एंड नीचे सूट्स रखे हुए हैं मेरे, सूट कुर्ती प्लाजो ये सब रखा हुआ है। एंड इस वाले सेक्शन में यहाँ पर मेरे जीन्स रखे हुए हैं। सो सारी अलमीरा हो गई है सेट। एंड ये कुछ एक्स्ट्रा कपड़े निकले हुए हैं प्रेस करना है, और ये वाले कपड़े हैं ये मुझे रखने हैं अभी, क्योंकि ये कुछ ड्रेसेस हैं जो मैं अलग से रखूंगी इनको। सो ये मैंने बेडशीट डाल दी थी मशीन में धुलने के लिए, ये धुल गई, इनको मैं बाहर डाल दूंगी सूखने के लिए। अभी टाइम हो रहा है 11:30 बज रहे हैं, एंड मैं सारे काम से फ्री हो गई। अलमीरा के जो भी कपड़े थे सारे वो मैंने लगा दिए हैं। ये वाली गर्मी तो ना बर्दाश्त ही नहीं होती है, पानी और एकदम बारिश और ह्यूमिडिटी होती है ना,
ये वाली गर्मी तो किसी से बर्दाश्त नहीं होती है। सो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। वीडियो शूट करने के लिए आपको फ़ैन बंद करना पड़ा तो और ज़्यादा गर्मी लगती है। एंड मैं तो ये सोचती हूँ कि अभी हमने तो फ़ैन बंद कर दिया, हम छाए में बैठे हो तो भी हमको इतना लग रहा है, एंड जो लोग बाहर हैं धूप में हैं तो उनको कितना ज़्यादा गर्मी लगती है सोचो। टाइम हो गया है रुद्रांश को स्कूल से लेकर आने का। मैं रेडी होती हूँ एंड उसको लेकर आती हूँ। काम से फ्री होने के बाद फिर मैं वीडियो को एडिट करने बैठ गई। मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ, स्किन को मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है। जा रही हूँ रुद्रांश को स्कूल लेने के लिए, थोड़ा सा सनस्क्रीन और लगा लेती हूँ। स्किन टैनिंग से अच्छा है थोड़ा सा फेस का ध्यान रखा जाए। तो हो गया है मेरा फाइनल मेकअप, अब चलते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं लगाती हूँ, सनस्क्रीन लगाती हूँ एंड मॉइस्चराइजर लगाती हूँ जब मैं बाहर जाती हूँ, और अगर घर में ही रहती हूँ तो सिर्फ मॉइस्चराइजर ही यूज़ करती हूँ। मैं रेडी हो गई हूँ एंड अब चलते हैं रुद्रांश को लेकर आते हैं स्कूल से एंड देखते हैं आज उसका फर्स्ट डे था तो कैसा रहा उसका स्कूल में। जाने से पहले ना थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है और ना प्यास भी बहुत ज़्यादा लग रही है। और ग्लास देखो कौन सा मिला मुझे, रुद्रांश का ग्लास मिला है पानी पीने के लिए। हम आ गए थे स्कूल से एंड स्कूल से आने के बाद रुद्रांश की ड्रेस वगैरह चेंज की एंड उसके बाद दोनों ने थोड़ी थोड़ी सी झपकी ले ली है क्योंकि वो आता है ना तो स्कूल से आने के बाद उसको थोड़ा सा ना वैसा फील होता है। तो वो सो गया था एंड खाना वगैरह खाने के बाद, और अब भी उठा है ये देखो ये मम्मा पापा बनाए हुए हैं स्कूल में, मम्मा है और एक पापा है ये पापा नहीं है, ये मम्मा है। ये आपने बनाए स्कूल में, और क्या क्या किया स्कूल में आपने? ड्राइंग। बस अभी इसका देखूंगी होमवर्क वगैरह जो भी होगा थोड़ा बहुत, क्योंकि आज तो फर्स्ट डे था तो ज्यादा कुछ होमवर्क होगा नहीं। अच्छा लग रहा कैसा है टेस्ट? खट्टा, जामुन भी मिल रहे हैं। कर रही हूँ यहाँ पे डिनर की तैयारी, हो गया डिनर में। आज बन रहा है कटहल, सो कटहल मैंने यहाँ पे फ्राई कर दिया, यहाँ पे मसाला तैयार हो रहा है एंड एक साइड बन रही है चाय। सो ये भी आ गए ऑफिस से, सो अभी चाय पियेंगे एंड सब्जी हमारी बनी जा रही, बाद में रोटियाँ सेकूंगी। हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल। चाय बन चुकी है हमारी, तैयार हो रहा है सब्जी का मसाला, प्याज टमाटर और मसाले ऐड कर दिए। ये कटहल रखा हुआ है फ्राई किया हुआ, उसके बाद इसमें कटहल डाल दूंगी, मसाला सिक जाएगा फिर।